दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर ये प्रश्न आपसे कोई व्यक्ति पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? जब किसी भी व्यक्ति के सामने बात पाप और पुण्य की आ जाए तो व्यक्ति पुण्य को करने से पीछे नहीं हटता है। और ये बात भी सत्य है कि पाप करने से भी कोई व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। जहाँ लोग पुण्य करते हैं तो वहीं लोग एक ऐसा पाप भी कर देते हैं जो आपके सभी पुण्यों के फल को नष्ट कर देता है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के पापों की सजा उस जन्म में भी और अगले जन्म में भी सहनी पड़ती है। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप कर्म ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के विषय में सोचते तक नहीं है और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पाप कर्म कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत से खेलता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। विज्ञान के अनुसार नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं। यही नारी पुरुष को हर रूप में दर्शन देती है, कभी माँ के रूप में तो कभी बहन के रूप में। इस संसार को नारी ही चलाती है। नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति करोड़ों पापों का भोगी बनता है। वही भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो व्यक्ति नारी की इज्जत करता है उसे इस जन्म में और अगले जन्म में कई करोड़ों पुण्य हासिल होते हैं। वहीं जो लोग नारी की इज्जत से खेलते हैं, उनके साथ गंदा काम करते हैं, तो वहाँ पूरी मानवता पाप की भागीदार हो जाती है और वो समाज भी उस कामी व्यक्ति के साथ कलंकित हो जाता है। इसलिए संसार का सबसे बड़ा पाप कर्म नारी का अपमान करना माना जाता है। इसलिए ऐसा करने से बचें और नारी की सदैव इज्जत करें।